अच्छे दिन का इंतजार करते करते कब आटे दाल चावल पर टैक्स लगने लगा ये तो हम और आप पता नहीं कर पाए। लेकिन क्या यस बैंक 13 रुपए से एक मल्टी बैगर बन सकता है? इसी बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। लेकिन चलोगे कहाँ? ऑफकोर्स आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। खैर ये तो मजाक था, हमें चलना पड़ेगा येस बैंक के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पे एक बार चेक कर लेना डिनोमिनेशन का, यहाँ पे लाख में है, कई बार ये करोड़ और मिलियन में भी होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। बैंक ऑपरेशन आप जानते ही हो, लोगों से पैसा लेते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पे आपको दिया जाता है, उसके बाद लोन के तौर पर आगे उसको पास कर देते हैं और फिर उससे इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। जो इंटरेस्ट ये कमाते हैं और जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोगों से पैसा उठाते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहलाता है। ऊपरी तौर पर काफ़ी सिंपल सा बिजनेस है बैंक का। अगर आप यहाँ पर देखोगे फंडामेंटल एनालिसिस में दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक ईयर ऑन ईयर। आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेम ईयर में आप जस्ट इस क्वार्टर को पिछले वाले क्वार्टर से कंपेयर करो तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होती है, और ईयर ऑन ईयर होती है अगर आप इस साल के क्वार्टर को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करो तो वो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन होती है। कई बार ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन के नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर से, क्योंकि कई बार बिजनेसिस में एक फैक्टर होती है साइक्लिसिटी की, यानी कुछ बिजनेस इस पर्टिकुलर क्वार्टर्स में बेटर परफॉर्म करते हैं, उसको काउंटर करने के लिए ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे चलते हैं। अगर आप येस बैंक के तौर पर देखोगे, मैं आपको नंबर्स बोल के बताने नहीं वाला हूँ, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नंबर्स के बीच की जो कहानी है मैं आपको वो सुनाऊंगा इस वीडियो में। ओवरऑल देखोगे, चाहे इंटरेस्ट इनकम की बात करो, चाहे आप नेट प्रॉफिट की बात करो, यानी टॉप लाइन और बॉटम लाइन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, दोनों ही ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में ये ग्रोथ उतनी नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड पे, यानी वो खर्चा जो कि बैंक को पैसा उठाने के लिए करना पड़ा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड उतना बढ़ के नहीं आया है जितना रेवेन्यू बढ़ के आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली येस बैंक के लिए। वैसे तो अगर आप किसी भी बैंक में देखोगे ना, तो ये नंबर उतना बढ़ के नहीं आ रहा है। रीज़न है क्योंकि पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट बहुत कम थी, लेकिन येस बैंक के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। दूसरी बात है इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, काफ़ी बढ़ के आए हैं। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करो, चाहे आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करो, इन नंबर्स की डिटेल में जाओगे तो उसका रीज़न है कि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी बढ़ के आई है, इन्फ्लेशन भी बहुत है। तो इनके अगर अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ गया है। बॉटम लाइन में आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी, चाहे प्रॉफिट चाहे आप अर्निंग पर शेयर के टर्म्स में देखो। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी ऑपरेशन साइड पे अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन क्या इस टाइप की डेवलपमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी बैलेंस शीट, उसमें भी हो रही है कि नहीं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे येस बैंक की बर्बादी का कारण था उनकी खराब बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के खराब होने का कारण था NPA, जो कि आप जानते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ये वो लोन होते हैं जो कि आदमी वापस नहीं करता है। थैंक यू विजय माल्या। खैर यहां पे हम बात करते हैं, अगर आप इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए CORD पे देखो, दोनों ही ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में कितने कम होके आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब से प्रशांत कुमार सर ने ओवरटेक किया था, SBI से आए थे, इनके MD एंड CEO बने येस बैंक के, उनका सबसे बड़ा फोकस था इनके NPA को कम करना, और उसका अब फल आपको नंबर्स के तौर पर प्रूफ देखने को मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है। अच्छा, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बीच का डिफरेंस बता दूं। कई बार क्या होता है, बैंक को पता चल जाता है, अरे मैंने इस आदमी को लोन दे दिया ना, अब तो ये गया लोन, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट से जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ रुपए निकाल के अलग कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रोविजनिंग। कई बार आपने सुना होगा प्रोविजन कर दिया। उस प्रोविजन को जब आप कैलकुलेट करोगे ग्रॉस एनपीए के साथ, तो जो नेट आंसर मिलेगा वो कहलाता है नेट एनपीए। इसका मतलब है नेट एनपीए वाला नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस एनपीए से, तो इनके नेट एनपीए भी काफ़ी अच्छे से कम होकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
आइए थोड़ा और डीप चलते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज के साइड पे देखते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। येस बैंक के केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देना, डिपॉजिट बढ़ के आया है। याद है वो समय जब येस बैंक पे डिपॉजिट ब्लॉक कर दिए थे, कितना हंगामा हुआ था, लेकिन फाइनली डिपॉजिट बढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों का थोड़ा बहुत ट्रस्ट येस बैंक पे बढ़ रहा है। SBI का हाथ भी तो है पीछे, ये भी कारण है। बोरोइंग देखोगे तो ये कम होके आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके डिपॉजिट बढ़ रहे हैं और बोरोइंग कम हो रही है, यानी जो आपकी एसेट की क्वालिटी है, सॉरी लाइबिलिटी की क्वालिटी है बैंक की, वो काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। तो इनकी बैलेंस शीट, मैं थोड़ा समरी में बता दूँ, काफ़ी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ बन रही है अब। उसके बाद एडवांसेस भी बढ़ के आए हैं, इसका मतलब है ऑपरेशंस में भी डेवलपमेंट अच्छे हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हर एक स्टेज पे येस बैंक ने इस क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो, क्यों येस बैंक स्टोरी में है, क्यों हर कोई कवर कर रहा है, और उसका रीज़न है यहाँ पर। येस बैंक की पार्टनरशिप हुई है JC फ्लावर के साथ टू फॉर्म एन ARC। यहाँ पे आप देख सकते हो येलो में मैंने हाईलाइट कर दिया। ARC का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी जो भी लोन इनके बर्बाद हो गए, बैड डेट हैं, उनको कैसे रिकवर किया जाए, उस टाइप का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV। ये सारी चीज़ें आप कई बार सुनोगे, सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन बड़े ही आसान है समझना। ARC का सीधा मतलब है कि मेरा पैसा डूब गया भाई, इसका कुछ तो करो कि कुछ पैसा मेरा वापस आ जाए। तो उन्होंने एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है JC फ्लावर, जो उनके पार्टनर है, उनके साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 48,000 करोड़ तक के स्ट्रेस एसेट को ये सही कर सकते हैं, 48,000 करोड़। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर है कि मिस्टर प्रशांत कुमार सर को, जो MD & CEO है फिलहाल इनके SBI से जो आए थे, उनको फिर से अप्रूवल मिल चुका है 3 साल का और बने रहने के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव है येस बैंक के लिए। और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि RBI ने जो एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे इनके बोर्ड में, उनको भी हटा लिया। यानी RBI ने जो उनका एक्स्ट्रा फोकस था ना येस बैंक पर, कि यार ये तो बड़ा नॉटी बच्चा है, इसको सही करके ही मानना है, अब इनको थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि हाँ अब ठीक है। प्रिंसिपल जो अपॉइंट कर दिया है कुमार सर को, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें सही हो चुकी हैं। मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा कि प्रशांत सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और उनकी अप्रिसिएशन करनी पड़ेगी येस बैंक के केस में, क्योंकि जिस टाइप की हालत थी येस बैंक में, वो भारतीय इकोनॉमी को बहुत ख़राब कर देता अगर ये बैंक फेल हो जाता। तो जिस तरह से इसको उन्होंने हैंडल किया है, और जिस उसके बाद इतना जल्दी इस टाइप के रिजल्ट्स भी आने लगे हैं, मानना पड़ेगा यार उनकी लीडरशिप को। मतलब इसके बाद उन्होंने गाइडेंस भी दिया है, आपको यहाँ पे पेज नंबर 26 पे देख जाएगा, और गाइडेंस बिल्कुल बहुत बेहतरीन दिया है, और गाइडेंस पे आप काम देख सकते हो। क्या क्या उन्होंने स्टेटस बताया भी है कि ऑन ट्रैक। वैसे हमें उनके बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम तो नंबर से ही देख के आ रहे हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। अच्छा, डिजिटल क्षेत्र में भी येस बैंक लीडर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हर 3 में से 1 जो UPI ट्रांजेक्शन है वो येस बैंक प्रोसेस करता है। अगर आप में से किसी की भी ID @YBL है ना, तो आपका भी ट्रांजेक्शन येस बैंक ही प्रोसेस करता है, मेरी भी ID @YBL ही है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करते हुए ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है येस बैंक के लिए। ये सारी चीज़ों के बाद एक बार टेक्निकल एनालिसिस पे भी ध्यान दे सकते हैं। 15 रुपये को क्रॉस करने के बाद ही आप इसमें एक तेज़ी की पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि 15 रुपये पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, जिसको इसने कन्फर्म किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और वहाँ से फॉर्मेशन कर रही है ये एक शूटिंग स्टार की। डेफिनेटली ग्रीन है, लेकिन बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ इनकी इतनी बड़ी विक आपको बता रही है कि 15 रुपये से एक बड़ा रिजेक्शन है। 15 रुपये से ऊपर निकलने के बाद आपको इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, तो तब तक आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि येस बैंक अभी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये अभी भी कोई HDFC ICICI बैंक नहीं है, अभी भी मुसीबतें हैं, भले ही मुसीबत कम हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन उनके कम होने की भी अभी पहली स्टेज है, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, एंड अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एज ऑलवेज आई एम साइनिंग ऑफ।